हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके जीवन में कभी भी खुशी और पैसों की कमी ना हो, और इसके लिए हर इंसान अब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है ताकि वो जिनसे प्यार करता है उन्हें खुश रख सके। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि इंसान कुछ भी कर ले उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हालात बस से बदतर होते चले जाते हैं, मन में बहुत से बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि पूजा पाठ करके भी थक जाते हैं। आज मैं जिस विधि के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, यह एक ऐसी विधि है जो बहुत ही आसान है। और सबसे बड़ी बात, कितना भी बड़ा संकट हो, कैसी भी मुश्किल हो, 24 घंटे के बाद ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी कैसी भी मन की इच्छा हो वो जरूर पूरी होगी, बस आपको इसमें 10 से 15 मिनट का समय देना होगा। मैं ये बात आपको इतने विश्वास के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस विधि को खुद भी प्रयोग किया है और मैंने जिसको भी इसे बताया है। इसका रिजल्ट हर बार ऐसा आया है कि आप मजबूर हो जाएंगे और नतमस्तक होकर यही बोलेंगे कि हाँ, सच में ईश्वर है और वो चमत्कार कर। चलिए दोस्तों, ना ज्यादा वीडियो को लंबी करते हुए मैं आपको उस विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस विधि को आप पैसे की समस्या के लिए, जॉब, बिजनेस, फैमिली प्रॉब्लम या कोई भी आपको बड़ा संकट अगर घेर लेता है तो आप इस विधि को कर सकते हैं। हर समस्या के लिए थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है, तो अच्छा होगा कि आप इस प्रोसेस को लिख लें। इस विधि को आपने शनिवार की शाम से शुरू करना है, मतलब 6:30 बजे के बाद, और 7 शनिवार (7 Saturday) तक आपको इसे करना है। और कोशिश करें कि बीच में कोई शनिवार ना छूटे, और अगर छूट भी जाए तो आप माफी मांगकर उसे दोबारा से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पीपल के पेड़ की तलाश करनी है। वैसे तो सभी मंदिर में पीपल के पेड़ आसानी से मिल जाते हैं। एक प्लेट में मिट्टी का दीपक, 1 चम्मच सरसों का तेल आपको किसी भी शीशी के अंदर रखना है, 2 रुई की बत्तियां लंबे वाली वो आपको रख लेनी है, 1 माचिस, मीठे में आप गुड़ रख सकते हैं। अब आपको हर शनिवार इसी तरह से प्लेट लगानी है और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे 1 दिया प्रज्वलित करना है। और याद रहे कि दीपक में 2 रुई की बत्ती एक साथ लगाकर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। 1 बत्ती से दीपक कभी नहीं जलाना चाहिए। इतना सब करने के बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर या बैठकर, जैसे भी आप कंफर्टेबल होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़नी है। हेल्थ इश्यू हो, जॉब प्रॉब्लम हो, या बहुत बड़ी आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप यकीन मानिएगा आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, अगर आपको पैसे की समस्या ज्यादा है तो आपको माता लक्ष्मी की चालीसा पढ़नी होगी। अगर आपके बिजनेस में कोई परेशानी चल रही है तो आप गणेश जी की चालीसा पढ़ेंगे। और अगर आपकी एजुकेशन में भी किसी तरह की परेशानी आप महसूस कर रहे हैं तो आप माँ सरस्वती की चालीसा पढ़ेंगे। ध्यान रखें कि जब आप इस विधि को करें तो काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने, और चालीसा पढ़ते समय पीपल के पत्ते या पीपल की जो ब्रांच है वो आपके सर के ऊपर जरूर होनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है, मतलब आप जहाँ भी खड़े होंगे ना, पीपल के पत्ते आपके सर के ऊपर जरूर होने चाहिए, वो भले कितनी भी ऊंचाई पे हो। इस विधि को पूरा करने के बाद आपको थोड़ा सा सरसों का तेल पीपल की जड़ में चढ़ाना है, उन्हें ध्यान में रखते हुए जिनकी आपने चालीसा की है। अगर आपके साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, आप किसी समस्या से काफी समय से जूझ रहे हैं, तो आप शनिवार का व्रत करके भी इस विधि को कर सकते हैं। बहुत जल्दी और बहुत ही पॉजिटिव आपको प्रभाव दिखेंगे। ये जिसने भी किया है कभी खाली नहीं गया, पूरे भाव के साथ और पूरे नियम के साथ करें, प्रभाव आपको पहले शनिवार के बाद से महसूस होना शुरू हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और आप इसका यूज भी जरूर करेंगे। ऐसी जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।